हाय एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे स्नैप ब्लॉग में। तो यार आप सभी लोग कैसे हैं, पहले तो ये बताइए। आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त हैं ना। तो यार दोपहर है तो हमने सोचा कहीं ना कहीं ब्लॉग बनाने के लिए चलें, तो कहीं नहीं सिर्फ गुरुगान देवी आए हैं। तो पीछे जो मैदान है ना, बस वहीं पर हैं। तो आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, ये देखिए कितनी सुकून की जगह है मंदिर में बैठने की। आज मौसम भी बढ़िया है, धूप ना ही है ज़्यादा। देखो कितनी बढ़िया सुकून की जगह, देखो है, देखो कितनी बढ़िया जगह है, एकदम सुकून की। देखो चारों तरफ एकदम शांति ही शांति, शांति है तो बस मंदिर के अंदर है। देखो आराम से बैठा है यहाँ पर। अच्छा देखो गुरुधाम भी पास है, गुरुधाम भी पास है बनो गए। देखो उधर भी कुछ लोग, भैया लोग बैठे हुए हैं सब लोग। अब यहाँ पे कुछ लड़कियाँ बैठी हुई थी और एक लड़का था, दो लड़कियाँ थी, पर वो लोग चले गए हैं। थे तो जान पहचान के ही, पर हमने तो पहचान लिया। उन लोगों से बाद में बात करेंगे। तो मंदिर में यार चलो आप तो आसपास का नज़ारा देख सकते हैं, ये देखिए। और मंदिर तो फिलहाल वो दिख रहा है, पर मंदिर अभी बंद है क्योंकि टाइम 1 बज रहा है। और ये देखिए झूले भी लगे हुए हैं, ये देखिए बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं, ये देखिए। चलिए मैं आप लोगों को एक बार बैक कमरे से यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ, कितना अच्छा यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, कितना अच्छा ऊपर यूपी की गई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए फैन आराम से, हर सुविधा है यहाँ पे, पंखे भी लगे हुए हैं, पर अभी इतनी मस्त हवा चल रही है, सुहाना मौसम। ये देखिए इतनी मस्त, ये देखिए कितना स्वीट सा। ये देखिए यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं आप लोग, ये देखिए ये सुबह टहलने के लिए मैदान है, मॉर्निंग वॉक गुरुधाम। ये देखिए चारों तरफ देखिए झूले लगे हुए हैं, ये देखिए चारों तरफ आप नज़ारा देख सकते हैं, कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। इतनी अच्छी हवा चल रही है, मौसम भी अच्छा है, मज़ा आ गया भैया। तो चलिए थोड़ी दूर आ चुके हैं, ये देखिए वहाँ पे सत्संग भवन बना हुआ है, अच्छा व्यू है यहाँ का, एकदम प्यारा। चलिए कुछ दूर आ गया और भी आपको चल के दिखाते हैं, ये देखिए। वाह, चलिए मैं आप लोगों को एक बार बैक कैमरे से और दिखाता हूँ यहाँ का व्यू कितना मस्त है। और एकदम ठंडी हवा भी लग रही है और मौसम भी एकदम, धूप नहीं है बिल्कुल, एकदम ठंडी ठंडी हवा और शांत वातावरण यहाँ का, ये देखिए। ये पीछे देखिए सत्संग भवन है हमारे। चलिए आप लोगों को बैक कमरे से एक बार यहाँ का नज़ारा और दिखा देते हैं। वो आप लोगों को मकबरा दिख रहा है जो पिछली वीडियो डाली थी हमने, मकबरा। चलिए आप लोग बैक कैमरे से एक बार और दिखा देते हैं। ये देखिए सत्संग भवन बन गया है यहाँ पर, कितना प्यारा है। और ये देखिए मकबरा वो जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी, यहाँ पर किसी दिन आएंगे, अभी तो टाइम नहीं है। आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा आ रहा है, कितना प्यारा प्यारा है समा। मस्त लोकेशन देखिए आप यहाँ की, ये देखिए सत्संग भवन है और ये देखिए मैदान है। यहाँ पर जो है नवरात्रों में मेला लगता है और कुछ वीडियो हमने यहाँ के डाले भी थे मेले के, तो नवरात्रों में फिर यहाँ पर आएंगे, मेला लगेगा। ये पूरा जो है मंदिर का ही ज़मीन है और यहाँ पर मेला लगता है नवरात्रों में। और ये देखिए वो सामने मंदिर है
और अभी 1 बज रहा है तो मंदिर तो बंद है। तो आप लोगों ने यहाँ का व्यू देखा कितना प्यारा और कितना अच्छा है। और काफ़ी आज मौसम भी थोड़ा ठंडा है, बारिश तो नहीं हुई है, 2 दिन हो गए हैं, पर मौसम एकदम बारिश वाला ही है। तो हमने सोचा क्यों ना कहीं घूमने के लिए चला जाए। तो यहाँ सुकून और शांति की जगह है, तो यहीं पर हम आ चुके हैं। ये देखिए, तो भैया बहुत देर भी हो चुकी है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय बाय। मेरी हर खुशी है लगे, लाल लाल एकदम मस्त है।